बहुत बड़ा ज्वलंत मसला है जो हमारे सामने है और जिसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मसला ये है कि अभी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से एक नोटिफिकेशन निकली है जिसमें उन्होंने टेम्परेरी पोस्टें डोगरी के टीचर्स की हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए निकाली। 748 पोस्टें एडवर्टाइज़ की गई हैं जिसमें डोगरी की सिर्फ महज एक ही पोजीशन है। ये एक इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, एक इतनी ज़्यादती है, सिर्फ डोगरी के साथ नहीं हम कहते या डोगरों के साथ, ये सब के साथ नाइंसाफ़ी है कि इस भाषा को बिल्कुल पीछे रखने की कोशिश की जा रही है। और ये तब जब डोगरी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर किया गया है, सरकार उसके ये ब्यूरोक्रेसी उसको बढ़ाने के लिए, उसको लागू करने के लिए कदम उठाने के बजाय ऐसे कदम उठा रही है कि ये बिल्कुल ही सारा डोगरी पीछे ही चली जाए और ये ऑफिशियल लैंग्वेज का रोल ना ले सके। दूसरी बात यह है कि जो हमारे डोगरी के नौजवान हैं जिन्होंने MA की है, जिन्होंने PhD की है, वो कहाँ जाएंगे? अगर इस तरीके से इन्होंने उन पोस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया डोगरी के लिए, उनके एम्प्लॉयबिलिटी के एवेन्यू सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये जानबूझ के कोशिश है कि डोगरी को, डोगरों को और इस डोगरा कम्युनिटी को पीछे करने की कोशिश की जा रही है। और हमारी सरकार से इल्तजा है और डिमांड है और हम अर्ज करते हैं कि इस आर्डर को इमिडिएटली वापस लें, पूरी की पूरी पॉलिसी बनाएं कि प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक डोगरी को प्रोत्साहन दिया जाए।